हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई हो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, जा रहा हूँ तरबूजा बोने के लिए, तो बनेगा ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगा। इसमें मुझे काफ़ी लेट भी हो गया और सब लोग चाची उची तो आगे चल गई है गाइस, तो बनेगा ब्लॉग में जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आई हूँ घास करने के लिए। मम्मी नहीं थी, गई थी मार्केट गाइस, तो मैं घास करने के लिए चली आई गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग, सरसों फर गई है गाइस, और यहाँ पर मैं अकेली आई हूँ गाइस। देख सकते हैं इधर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का दिख रहा है आप लोगों को। और गाइस, मैं अकेले वीडियो शूट कर रही हूँ, इधर कोई मेरे साथ में है नहीं। और देखिए, वहाँ पे मैं घास रखी हुई हूँ। देखिए गाइस, आप लोग को दिख रहा होगा वहाँ पे मैं अपना तसला रखी हूँ गाइस, और यहाँ पे घास करने के लिए आई हूँ। अकेले कर रही हूँ गाइस, अकेले वीडियो शूट भी कर रही हूँ गाइस। क्या करूँ, ऊपर रखी हूँ और इधर वीडियो शूट हो रहा है, और इधर मैं घास भी कर रही हूँ, क्योंकि गाइस मेरे साथ में मेरा भाई है नहीं है, ना ही कोई लड़का, कोई बच्चा भी नहीं, छोटा सा है कि कोई मोबाइल पकड़ लेगा। तो गाइस, मैं अपने मोबाइल को सरसों के ऊपर रख के उसके बाद वीडियो को शूट कर रही हूँ गाइस। तो गाइस, हम अकेले वीडियो शूट करें, तब तक मेरी सिस्टर लोग आ रही थी उधर से गाइस, तो कैमरा को पकड़ रखी है गाइस, और मैं जा रही हूँ घर पे। बेचारी लोग बहुत अच्छी हैं, हमारी वीडियो शूट करें गाइस, और हम लोग जा रहे हैं गाइस घर पे। अब घास देखिए, इधर कर चुके, इधर दिखाइए। तो गाइस, अब घास कर चुके, अब जा रहे हैं गाइस। तो चलिए, गिर जाओगे उधर। देखिए, वहाँ पे चावल बना रही थी और जा रही हैं खटोला को घर में रखने के लिए। और हमारी बकरी उधर देखिए भूखी पड़ी और चिल्ला रही है, सोच रही है कि घास लेके आए, जल्दी से दे मुझे खाने के लिए। तो जा रहे हैं, पहले घास उठाएंगे। तो सिस्टर हमारी खटोला को रख दी, अब जा रही हूँ चावल लेने के लिए, वहाँ पे रखी हुई है। जा रहे हैं गाइस, बकरी हमारी भूखी बहुत ज़्यादा है गाइस, देख लीजिए कैसे छटपटा रही है खाने के लिए। तो खा लो, तो इधर दे दिए गाइस खाने के लिए। और अब और सारी घास से उठा कर रख दे रहे हैं घर पे अंदर। तो इधर देख लीजिए गाइस, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे लोग खा रहे हैं घास छनी वनी। तो गाइस देखिए, भाई उधर आ रहा मशीन पर से लकड़ी चिरा के लेके आया है ठेला से, तो उतार रहा है। इधर मम्मी आ रही है। तो मम्मी, यहाँ क्यों ले जाके रख रही हो? देखा था कि चौकी तैयार हुई कि तो गाइस इधर देखिए, मम्मी चौकी तैयार हो जाएगी कि नहीं ये देखने के लिए यहाँ पे पटरा ले जाके रख रही है, कि देखिए कितना मतलब दूरी तक आटता है। तो देखिए, इधर से उठा के लेके जा रही है मम्मी। गाइस, लकड़ी चिराई तो, मगर गाइस बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ निकल गया लकड़ी, और पता नहीं बन पाएगा कि नहीं चौकी। मम्मी कह रही थी चौकी बनवाने के लिए गाइस, अब देखते हैं बन जाता है कि नहीं। देखिए सड़ा हुआ है बहुत सारा, उधर अभी बाहर भी है। तो फाइनली गाइस, मैं खेत में आ गई हूँ, अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कैसे निरा रही हूँ तरबूजे को। तो गाइस, बने रहिएगा ब्लॉग में, अभी दिखाती हूँ। मटर वाला के तरबूज बोने के लिए जोता जा रहा है उधर, आप लोग देख सकते हैं। खरबूजा मन की घास इसी तरह से निकाली जाती है, आप लोग देख लीजिए। जो पौधा लगा है इसके आरी आरी की जितनी घास है सब निकाल रहे हैं। ये वाला खेत हम लोग निरा लिए, अब ये दूसरा वाला खेत में लपटे हैं निराने के लिए। तो गाइस, ये वाला खेत निरा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग घर पे जाएंगे। और धूप भी बड़ी काफ़ी हुई है, बड़ी तेज लग रही है गाइस, और प्यास भी लगी है गाइस। ये खरबूजा निराने के बाद जो जोता जा रहा है खेत में, मटर वाला खेत है वो जोत जाएगा, उसके बाद उसमें खरबूजा बोया जाएगा। तो आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे खरबूजा बोया जाता है, तो बनी रहिएगा वीडियो। तो गाइस, पानी आ गया है और लेके जा रहे हैं। देखिए, इसमें पानी है, प्यास तो बहुत तेज़ी से लगी है गाइस,
तो जा रहे हैं पानी पीने के लिए। बहुत तेजी से प्यास लगी थी गाइस। सो गाइस शाम हो गई है, अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। गाइस बहुत मेहनत हो गई गाइस, और अब शाम भी हो गई, देख सकते हैं दिन डूब गया है गाइस, उधर एकदम दिन डूब गया है गाइस। अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, चाची वाची देखी उधर जा रही हैं गाइस, और मैं भी जा रही हूँ। मिलते हैं सुबह, मिस के अपना करिएगा दोस्तों, दूसरे दिन बने रहेगा वीडियो में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस जा रहा हूँ तरबूजा बोने के लिए, तो बनेगा ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगा। इसमें मुझे काफ़ी लेट भी हो गया और सब लोग चाची वाची तो आगे चल गई है गाइस, तो बनेगा ब्लॉग में जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसी तरह से हम लोग इसमें छेद करते हैं, इसी में बीज बोया जाएगा। तो देख लीजिए इधर कितनी मेहनत लग रही है गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है भैया। तो फ्रेंड्स मुझे क्यों वहाँ से आ रही थी पता है, जब मैं छेद कर रही थी ना, तब बिना डंडे की मतलब ऐसे ही छेद कर रही थी, मुझे हंसी आ गई, क्योंकि यहाँ पे डंडे से नाप नाप के छेद किया जाता है ना, तो इसलिए मुझे हंसी आ गई कि मैं बिना डंडे की छेद करने लगी। और छोटा छोटा जो छेद दिख रहा है ना, इसी में बीज को एक एक दाना करके बोया जाएगा, और थोड़ी सी माटी चढ़ा देंगे बीज के ऊपर, और फिर इसमें पानी भरा जाएगा, दस पंद्रह दिन में खरबूजा जाम जाएगा। तो गाइस मैं खरबूजा बो के घर पे आ गई, और हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा के प्रेस कर लिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।